पेरेंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में आप जानेंगे बिल वाइज एंट्री ऑप्शन के अंतर्गत आने वाली एडजस्टमेंट की मेथड न्यू रेफरेंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको विस्तार से बिल वाइज एंट्री के बारे में बताया था, साथ ही ये भी बताया था कि इसके अंतर्गत एडजस्टमेंट की चार मेथड्स होती हैं, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट। इस वीडियो में आज हम इन्हीं में से न्यू रेफरेंस के बारे में बताएंगे, बाकी मेथड्स के बारे में आगे की वीडियोस में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने राज इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 अप्रैल 2021 को सोनी टीवी 20 इंचेस के दो नग 21,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से उधार खरीदे, जिसका बिल नंबर है 311। सप्लायर ने माल देते समय हमसे कहा कि इस बिल का पेमेंट आपको 30 दिन बाद यानी 1 मई को करना है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आगे काम करने में सुविधा हो उसके लिए हमने परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टॉक आइटम और यूनिट पहले से ही बना ली है। तो चलिए अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम सप्लायर इनवॉइस नंबर में सप्लायर का बिल नंबर 311 टाइप कर रहे हैं। यहाँ डेट में सप्लायर के बिल की डेट टाइप करेंगे। यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे ही हम क्वांटिटी और रेट डालकर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट की छोटी विंडो आने के पहले बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, जिसमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के अंतर्गत चार ऑप्शंस एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं चार ऑप्शंस के माध्यम से हम बिल वाइज अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एक एक करके हम इन चारों ऑप्शंस को समझेंगे। ध्यान रखें, ये चारों ऑप्शंस हमें सेल, परचेज, रिसीट, पेमेंट, जर्नल, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर्स में एंट्री करते समय मिलते हैं। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें कि कई बार वाउचर बनाते समय F11 यानी कंपनी फीचर्स में इनेबल बिल वाइज एंट्री ऑप्शन इनेबल यानी यस होने और सभी लेजर्स में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस होने के बाद भी ये चारों ऑप्शंस दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में आपको वाउचर स्क्रीन पर रहते हुए F12 प्रेस करना होगा। ये देखिए, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन यस होगा, उसे नो कर दें और कंट्रोल ए से इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट कर लें और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। ऐसा करते ही चारों ऑप्शंस आ जाएंगे। तो चलिए इन चारों ऑप्शंस में से इस वीडियो में न्यू रेफरेंस को समझ लेते हैं। जैसा कि इसका नाम है न्यू रेफरेंस, न्यू का मतलब है नया और रेफरेंस का मतलब यहाँ है बिल या इनवॉइस। इस तरह से न्यू रेफरेंस का मतलब हुआ नया बिल। जब भी हमको अपने सप्लायर से कोई नया बिल मिलता है और हम उसकी टैली में एंट्री करते हैं, या फिर जब हम अपने कस्टमर्स को माल बेचते समय कोई नया बिल बनाते हैं, तो उस समय प्रायः न्यू रेफरेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि परचेज और सेल्स वाउचर में बाय डिफॉल्ट न्यू रेफरेंस ही सिलेक्टेड रहता है। अन्य ऐसी परिस्थितियां कौन सी हैं जिसमें हम न्यू रेफरेंस की जगह दूसरी एडजस्टमेंट मेथड सिलेक्ट करते हैं, ये आगे की वीडियोस में बताएंगे। ये यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ गए हैं। यहाँ सप्लायर का वही बिल नंबर आ रहा है जो हमने पहले टाइप किया था। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। ड्यू डेट या क्रेडिट डेज में सप्लायर ने हमें जितने दिन की उधारी पर यह माल दिया है उतने दिन टाइप करें, या जिस तारीख पर पेमेंट करने को कहा है वो तारीख टाइप करें। हम 30 टाइप करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही तारीख अपने आप आ गई है। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह हमने कुछ खरीदी और की है जिनकी एंट्री भी हमने टैली में कर ली है। इस वीडियो में हम आपको जो समझा रहे हैं उसके अनुसार आपको काम करने में सुविधा हो,
उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक पीडीएफ दे रहे हैं। आइए अब हम आपको न्यू रेफरेंस के साथ एक सेल्स वाउचर भी बनाकर बता देते हैं। हमने आजाद टीवी को 1 अप्रैल 2021 को सोनी टीवी 20 इंचेस के दो नग 25,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से उधार बेची। कस्टमर को माल देते समय हमने उसे कहा कि इस बिल का पेमेंट आपको 10 दिन में करना है। अब हमने कस्टमर का बिल बनाना शुरू किया। ये देखिए बिल वाइज डिटेल्स में यहाँ भी न्यू रेफरेंस सिलेक्टेड है और हमें यही चाहिए। हम एंटरप्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दें, यहाँ वही नंबर आ रहा है जो हमारे बिल का है। एंटरप्रेस करके आगे बढ़ते हैं। देखिए ड्यू डेट या क्रेडिट डेज में पहले से ही 15 डेज लिखा आ रहा है। इसका कारण ये है कि हमने अपने सभी कस्टमर्स के लेजर्स बनाते समय डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में 15 डेज टाइप किया हुआ है। अब चूंकि हमने ये माल ग्राहक को 10 दिन की उधारी पर दिया है, इसलिए हम यहाँ पर 10 टाइप कर देते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखें, कई बार टैली के एजुकेशनल वर्जन में काम करते समय एक परेशानी आती है। यहाँ ड्यू डेट पर कर्सर नहीं जाता है, यानी कर्सर नेम वाले ऑप्शन से सीधे अमाउंट वाले ऑप्शन पर चला जाता है और हम मैन्युअली डेज टाइप नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में आपको पार्टी के लेजर में ऑल्टरेशन करके डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में टाइप किए हुए डेज हटाना होंगे, तभी आपका कर्सर ड्यू डेट पर रुकेगा और आप मैन्युअली डेज टाइप कर सकेंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। चार्ट में बताए अनुसार पहले सेल्स बिल की एंट्री हमने आपको करके बता दी और इसी तरह आखिरी बिल को छोड़कर बाकी सभी सेल्स वाउचर्स की एंट्रीज भी हमने टैली में कर ली है। यहाँ पर एक खास बात बता दें, जब हमने आखिरी बिल बनाना शुरू किया और जैसे ही हमने पार्टी का नाम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, देखिए नीचे एक वार्निंग आ रही है जिसमें लिखा है कि आप जिस पार्टी का बिल बना रहे हैं उसके दो बिल पहले से ही आउटस्टैंडिंग है, यानी कि बकाया है और उनकी पेमेंट की ड्यू डेट निकल चुकी है। अब आप चाहे तो कस्टमर को माल दें या ये कहकर वापस कर दें, भाई पहले के बिल ओवरड्यू हो चुके हैं, कृपया आप उनका पेमेंट कर दें, तभी हम आपको माल दे सकेंगे। यदि आप ओवरड्यू के बाद भी बिल बनाना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस करें। हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिटेल में बिल वाइज एंट्री ऑप्शन के बारे में बताया था और इस वीडियो में हमने बिल वाइज एंट्री में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के अंतर्गत आने वाले न्यू रेफरेंस के बारे में बताया। इसके बाद वाली वीडियोस में हम आपको एडवांस और अगेंस्ट रेफरेंस के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।